गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो मैं जा रही हूँ इस्कॉन टेम्पल अपनी फ्रेंड गायत्री के साथ। हेलो, हाय। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। तो आप सबको लाइक दर्शन कराएंगे आज इस्कॉन टेम्पल के। और सो गाइस फाइनली हम टेम्पल पहुंच गए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे फूल की माला है, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हमने अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग होने के बाद ही अंदर मंदिर में एंट्री मिलती है। बाकी आप देख रहे हैं कि आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं अंदर एंटर करते ही। तो यहाँ पे आपको भगवत गीता बुक से रिलेटेड सारी चीजें अवेलेबल हैं। आपका प्रसाद भी है अंदर अवेलेबल, लड्डू का जैसा भी भोग आप लगाना चाहते हैं खाना जी को। और यहाँ पे कुछ ना कुछ हमेशा काम चलता ही रहता है, एक्टिविटी। सो कैसा लग रहा है आपको गायत्री आके? अच्छा लग रहा है, आप सभी लोगों के लिए लाइव दर्शन है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। ये जो मेन मूर्ति है ना कान्हा जी की, उसके साइड से लेफ्ट हैंड साइड से एक गुफा जा रही है। तो ये यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं और कान्हा जी की सारी लीलाओं की यहाँ पे कैप्चर करके और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है। और ये हम दूसरी तरफ से निकल गए हैं मंदिर के बाहर। तो ये बाहर का नज़ारा है, बहुत ही अमेजिंग है सीरियसली। मतलब जो सुकून यहाँ है ना, वो कहीं नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पर आप ये बैनर्स देख रहे होंगे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं इस्कॉन टेम्पल में, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो लोग हमारे सनातन धर्म से बिल्कुल मतलब जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो यहाँ पर वो अपने बच्चों को ये सेमिनार्स अटेंड करा सकते हैं और भगवद गीता के श्लोक्स और भगवद गीता के बारे में और पूरा यहाँ पर मतलब बताया जाता है। और ये वाला आप देख रहे होंगे, यहाँ पर हरे कृष्णा का जाप करते हुए लोग क्या कहते हैं परिक्रमा लगाते हैं। जैसे कि अभी मैं भी यहाँ पे हरे कृष्णा का जाप करते हुए मैं यहाँ पे परिक्रमा लगा रही हूँ। तो ये यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं तो भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ कान्हा जी में, क्योंकि मेरी मम्मा भी वहीं से बिलोंग करती हैं। तो मेरा ननिहाल मथुरा से है, तो मुझे पूरा भरोसा है इन पर कि कोई भी इनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। सो वापस से मैंने मंदिर में एंट्री ले ली है, क्योंकि 6:30 बजे मुझे आरती अटेंड करनी थी। तो अभी मंदिर के द्वार बंद हैं, तो सभी लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कृष्ण भगवान जी का द्वार खुलने के लिए। और उसके बाद फिर आरती शुरू होगी, कीर्तन होगा और बहुत ही आनंद आने वाला है। तो आप लाइव देखेंगे। फाइनली मंदिर के द्वार खुल गए हैं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। और सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं, मगन हैं कान्हा जी में। और बस अब आरती शुरू होने ही वाली है। दर्शन हुए गाइस। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के साथ ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। अभी और बाय। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।